एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेरी होप जहाँ कहीं होंगे बहुत अच्छे होंगे, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ खुश होंगे। अभी मॉर्निंग के टाइम में इस टाइम से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और कल रात में मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया था और मैंने जस्ट वहीं एंड कर दिया था। तो अभी मैं मॉर्निंग के टाइम से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। अभी रंजना आ चुकी हूँ काम करने वाली, तो अभी मैं फटाफट बैट को झाड़ लूँगी जिससे कि रंजना के आने से पहले काम कम्प्लीट हो जाएगा। गाजर, खीरा, मूली और लौकी, गाजर, खीरा, मूली, हाँ ये चार चीज़ें होती हैं। कल सब्जी बनाई थी, उसमें लौकी भी था, मगर लौकी मम्मी एक्स्ट्रा बना रही थी। मम्मी बोल रही थी कि लौकी के साथ दाल को बनाने के लिए, तो अभी मैं वही बनाने वाली हूँ। तो पहले दाल रखती हूँ। और मम्मी उधर में सब्जी को कट कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे काम चल रहा है। तो जैसे अभी का जो है ना रूटीन थोड़ा सा ज़्यादा ही बिजी हो जा रहा है, तो बस अभी फटाफट दाल बना लूँगी। आप चावल देख सकते हैं, मैंने चावल को बैठा दिया है। आज नाश्ते में रोटी नहीं बन रहा है क्योंकि रूटीन कुछ और है, मतलब दोपहर में खाने का कुछ और हमने सोचा है। इस वजह से अभी मम्मी ने कहा कि जब भी चावल बना दो तो मम्मी को क्या ना गर्म गर्म चावल खाना है, तो थोड़ा सा चावल बना दूँगी और लौकी डाल के दाल, उसके बाद आलू परवल की सब्जी तो बना दूँगी। और मम्मी के लिए अलग से मैंने लौकी काट के रखा है, उसका मम्मी के लिए थोड़ा सा हल्का सा एकदम तेल कम मसाला में अच्छे से सब्जी बना दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं सब्जी रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी का कुछ जो काम है वो करूँगी। अभी मुझे मतलब जैसे कि रूम में ना मम्मी ने सब्जी वब्जी काटा था, बाबू बाहर से गया था, तो पूरा कच 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 रूम हो गया। एक्चुअली है ना कि बारिश का मौसम है, कोई भी अगर घर से बाहर जाता आता है ना, क्या पैर कितना भी धुल के आता है फिर भी कच 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 अजीब सा हो जाता है, और मुझे ना वो वाला बिल्कुल सीन पसंद नहीं है, कच 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 वाला। तो यहाँ पर फ्रिज में बाकी जो सामान था वो मैं रख लूँगी। उसके बाद मम्मी को दिखाती हूँ आपको कि मम्मी अभी सब्जी कट कर रही है, और मम्मी सब्जी कट करती है ना बहुत आराम से करती है, एकदम स्लोली स्लोली स्लोली। और मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो प्लीज़ मम्मी को थोड़ा सा ऐसा मत कहिए कि हाँ आपकी मम्मी ऐसी क्यों बनी रहती, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है। इस वजह से अभी मैं यहाँ पे फटाफट झाड़ू लगा लूँगी, और मैं मम्मी को बोलती हूँ आप आराम से बैठो, रेस्ट करो, कोई ज़रूरत नहीं। पर कहती कि हम बैठे बैठे भी तो अजीब मन हो जाएगा, चलो आओ बैठे बैठे हम थोड़ा सब्जी काट देंगे ना, तो हमको भी अच्छा लगेगा, कुछ काम कर रहे हैं ना, तो बैठे बैठे और अजीब से मेरा मन हो जाएगा। तो फिर हम मम्मी को सब्जी काटने के लिए दे दिए थे। फिर खाना वाना बनने के बाद मैं बस ये साफ़ सुथरा कर लूँगी, पूरा घर वर पूरा झाड़ लूँगी, अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, पोछा लगा लूँगी, उसके बाद मैं आप सबसे मिलूँगी।
देख सकते हैं यहाँ मेरा पोछा ओछा लगा के कंप्लीट हो चुका है। तो जब झाड़ू पोछा लगे घर बहुत सुंदर लगने लगता है। वैसे सुबह में रंजना आई थी तो झाड़ू पोछा सब कुछ काम करके गई थी, टोटली काम वो घर का करके गई थी, फिर भी रूम हो जाता है ना, बच्चे वाला घर है आप समझ सकते, थोड़ा कचकच कचकच हो ही जाता है। मम्मी को ये सब चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं कि बालू वालू वाला। तो यहाँ पे राहुल जी कल कुछ बाबू के लिए चिप्स लाए थे तो उसको मैं अंदर रख रही थी क्योंकि बाहर रहेगा ना तो वो एक दिन में ख़त्म कर देगा। एक दिन में क्या, मतलब एक घंटे में ख़त्म कर देगा, उसके लिए वो दूर नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जी बना रही थी तो मैं आपको दिखा रही हूँ, सब्जी चढ़ा के मैं पोछा लगाने लगी थी। तो यहाँ आलू परवल का सब्जी देख सकते कितना कम तेल मसाले में मैं सब्जी बना रही हूँ ना आजकल। आजकल राहुल जी बड़े खुश हो रहे कि अच्छा है कि मतलब मम्मी की वजह से मुझे भी कम तेल मसाला मिल रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही कम तेल मसाला, मतलब आप सोच नहीं सकते बहुत ज़्यादा ही कम तेल मसाला में सब्जी। आपको सब्जी का कलर देख के ही समझ में आ रहा होगा, बट ठीक है, ये चीज़ है, ये सब्जी ना बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे सोफ़ा का रंगत देख सकते कैसा हो चुका है, सुबह भी मैंने ठीक किया था फिर भी रंगत खराब हो चुका है, तो बस वो सब मैं ठीक कर लूँगी और उस आप सबसे बातें करके, थोड़ी बहुत बातें करके ब्लॉग को मैं एंड करूँगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे प्यार दे रहे हैं ना उसी तरीके से आप लोग मुझे हमेशा ही प्यार देते रहिएगा। इस सच में आप लोग का मैं जितना शुक्रिया करूँ बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। सो चलिए फटाफट मैं ये काम कर लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। चलिए गाइस, तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई रियली होप कि ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर प्लीज थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और जो मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करके जाइएगा। देखिए लाइक से आपको नहीं कुछ मिलता है, मुझे कुछ नहीं मिलता, बट थोड़ा सा है ना अच्छा लगता है कि लोगों को वीडियो पसंद आया है। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये इस मेरे चैनल से कोई भी वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब फैमिली और भी बड़ा हो जाए। मैं डेली आपको एक ही बात कह रही हूँ, आप भी सोचिए एक ही बात क्यों कह रही है। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बाकी सारा काम हो चुका है। रंजना पोछा लगा के जा चली गई थी, लेकिन हुआ था कह रहा उसके बाद मम्मी सब्जी घर में कटवट की थी, और उसके बाद बाबू इतना परेशान कर देता है ना, इधर से उधर कुछ ना कुछ बाहर गया था खेलने के लिए, वहां से ऐसा बालू पूरा कर दिया था ना, किच किच घर लगा। तो मैं झाड़ू पोछा लगा चुकी हूँ, वैसे मॉर्निंग में भी मेरे घर में झाड़ू पोछा लग चुका है, और उस रूम में उतना गंदा होता नहीं कि बाबू हार ही उस रूम में जाता नहीं, उस रूम में ही खेलता है ज्यादा करके। तो चलिए इसी ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो की ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा, जल्दी लेके आऊंगी आप सबकी इंटरेस्टिंग सा न्यूज़ और वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।